तो दोस्तों, अगर आपका बजट 8,000 रुपए है और इस प्राइस पॉइंट पर आप एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैंने यहाँ पर टॉप 3 सबसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में बताया है, जिसमें आपको इस प्राइस पॉइंट पर काफी तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। साथ ही इस फोन में आपको अच्छा डिस्प्ले, अच्छा बैटरी बैकअप, अच्छा कैमरा और 4GB तक का रैम देखने को मिल जाएगा। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्किल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 3 स्मार्टफोन है और इन सब की जो रैंकिंग है वो बाय परफॉर्मेंस है, यानी कि किस फोन में सबसे तगड़ा प्रोसेसर लगा हुआ है। इस फोन को आप डेली यूज या फिर स्टडी के लिए भी खरीद सकते हो, काफी अच्छा रहेगा। तो वीडियो को आप पूरा देखना, इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा गेमिंग फोन आपको लेना चाहिए और कौन सा गेमिंग फोन सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, नंबर 3 पर है माइक्रोमैक्स का माइक्रोमैक्स इन 1B और ये फोन इंडिया का अपना ब्रांड है। इस फोन की लुक की बात करें तो इसकी जो बैक बॉडी है वो प्लास्टिक की बिल फिनिशिंग के साथ आती है और ये फोन ब्लू, ग्रीन और पर्पल 3 कलर में देखने को मिल जाता है। इसके साथ इस फोन के बैक में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये फोन एंड्रॉयड 10 के साथ आता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.52 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ये डिस्प्ले नोच डिस्प्ले है, तो इसमें आपको वाटरप्रूफ स्टाइल के साथ सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो इसके बैक साइड में डुअल कैमरे का सेटअप लगा हुआ है, जिसमें 13 MP का मेन कैमरा और 2 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कैमरे की क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, वो भी काफी अच्छी दी गई है। और अब बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की, यानी कि प्रोसेसर की। तो इसमें आपको मीडियाटेक हेलियो का G35 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये फोन 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोसेसर है उतना पावरफुल नहीं है, फिर भी इसमें आप नॉर्मल से गेमिंग कर सकते हो और साथ ही यहाँ पर आपको 4GB का रैम मिलता है, वो बहुत ही कमाल का है। दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं इस फोन के बैटरी की। तो इस फोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपको 10W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, इस फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी बैकअप अच्छा है, कैमरा भी ठीक दिया गया है। प्रोसेसर यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों, थोड़ा सा लो है गेमिंग के हिसाब से, लेकिन 4GB का रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी के साथ ये फोन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा जो लोग थोड़ी सी नॉर्मल सी गेमिंग कर लेते हैं लेकिन दिन भर मोबाइल को यूज करते हैं, बहुत सारी एप्स चलाते हैं, तो उनके लिए ये फोन बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। और इसका प्राइस है 7,999 रुपये, इसे आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, नंबर 2 पर है रियलमी का रियलमी नार्जो 20A। दोस्तों, इस फोन के लुक और डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है और ये फोन आपको विक्ट्री ब्लू, ग्लोरी सिल्वर 2 कलर में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस फोन के बैक में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये फोन भी एंड्रॉयड 10 के साथ आता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.5 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ये डिस्प्ले भी नोच डिस्प्ले है, यानी कि इसमें भी आपको वाटरप्रूफ स्टाइल के साथ सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ ही इस फोन में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4Gen 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डिस्प्ले दी गई है ये बहुत ही पावरफुल डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा गेमिंग के लिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं कैमरे की। तो इसके बैक साइड में ट्रिपल कैमरे का स्लॉट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर 12 MP का मेन कैमरा और 2 MP का डेप्थ सेंसर और 2 MP का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों, जो कैमरे की परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर ठीक दी गई है। आगे चलते हैं और अब बात करेंगे हम इस फोन के परफॉर्मेंस की। तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, गेमिंग के हिसाब से ये जो प्रोसेसर है इस वीडियो में सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये नंबर 1 पे हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेसर की ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छी है, काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर ये जो है, ये 10,000 या फिर 12,000 के स्मार्टफोन में भी देखने को मिलता है। इसके साथ इसमें आपको 3GB का रैम और 32GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है। साथ ही 256GB तक आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हो। दोस्तों, इस फोन के बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। साथ ही इसमें भी आपको 10W का चार्जर देखने को मिल जाता है।
अब दोस्तों इस फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इसमें डिस्प्ले बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, कैमरा भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, ट्रिपल कैमरा है। और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और इसके प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन आपको 8499 रुपये में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ऑफर में लोगे तो ये फ़ोन आपको 8000 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सच कहूँ तो ये फ़ोन 8500 रुपये के हिसाब से भी सस्ते में, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपका काम दिन भर स्मार्टफोन पर ही होता है और गेमिंग भी करना चाहते हो तो ये फ़ोन आपके लिए सबसे अच्छी चॉइस हो सकती है। तो दोस्तों नंबर वन पे जो गेमिंग स्मार्टफोन है वो है रियलमी का रियलमी C3। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर डिज़ाइन की बात करें तो इस फ़ोन में बहुत ही कमाल का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जो कि है सनशाइन। और ये फ़ोन आपको फोर्जा ब्लू, ब्लेजिंग रेड और वेल्केनो ग्रे तीन कलर में देखने को मिल जाता है। इसके साथ इस फ़ोन में आपको स्प्लेस प्रूफ का फीचर देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आपका फ़ोन बारिश में भींग जाए, थोड़े बहुत बारिश में भींग जाए तो उतने से ख़राब नहीं होगा। इसके साथ ये फ़ोन भी एंड्रॉयड 10 के साथ आता है, लेकिन दोस्तों इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं इस फ़ोन के मेन फीचर्स की। तो दोस्तों इसमें आपको 6.5 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और ये भी नोच डिस्प्ले है, यानी कि इसमें भी आपको वाटर ड्रॉप नोच के साथ सेल्फी कैमरा का स्टाइल देखने को मिल जाता है। इसके साथ इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है। अब बात करते हैं कैमरे की, तो इसके बैक साइड में आपको डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पर 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो कैमरे की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी एवरेज टाइप की है। और फाइनली अब बात करेंगे हम इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इसमें आपको मीडियाटेक हेलियो का G70 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये जो प्रोसेसर है गेमिंग के हिसाब से इस वीडियो में, इस सीरीज में सबसे नंबर वन पे है। इसके साथ इसमें आपको 3GB का रैम और 32GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है, साथ ही 256GB तक आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हो। फाइनली दोस्तों बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर भी आपको 10W का चार्जर देखने को मिल जाता है और Type-C का केबल भी दिया गया है। फाइनली दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इस फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको अच्छा डिस्प्ले, अच्छा बैटरी बैकअप और एवरेज टाइप का कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा दिया गया है इस फोन में। तो अगर आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको गेमिंग करना है, तो ये फोन आपके लिए सबसे अच्छी चॉइस हो सकती है। इसका प्राइस आपको 7999 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हैं 8000 रुपये के प्राइस के Top 3 सबसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन। दोस्तों अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो फ़ोन की रैंकिंग है 1, 2, 3 वो बाई परफॉर्मेंस है, यानी कि किसमें सबसे तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर लगा हुआ है। तो गेमिंग प्रोसेसर सबसे तगड़ा नंबर वन पर है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग से मतलब है गेमिंग करना है तो आप नंबर वन वाला स्मार्टफोन ले सकते हो, रियलमी C3। थोड़ा पुराना है लेकिन गेमिंग प्रोसेसर काफ़ी तगड़ा दिया गया है इस प्राइस पॉइंट पर। उसके बाद आते हैं दोस्तों सेकेंड नंबर पर। तो जो सेकेंड नंबर वाला स्मार्टफोन है वो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, और उसमें आपको अच्छा प्रोसेसर भी देखने को मिलता है, जो कि है 665 स्नैपड्रैगन का। तो अगर आप स्टडी के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हो या फिर डेली यूज के लिए लेना चाहते हो और साथ में गेमिंग भी करना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सबसे अच्छी चॉइस हो सकती है। इसमें आप अच्छी गेमिंग भी कर सकते हो और इसके अलावा बहुत सारी मल्टीपर्पज़ चीज़ें भी आप कर सकते हो। ये फ़ोन ज़्यादा हीट भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक 4GB रैम वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप मैक्रोमैक्स का मैक्रोमैक्स इन भी ले सकते हो। ये डेली यूज के लिए बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है और थोड़ा बहुत गेमिंग भी आप इसमें कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट कम है या फिर ज़्यादा है तो आप चैनल पे जाओ, वहाँ पर आपको बहुत सारी नई नई वीडियो देखने को मिल जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों मुझे ज़रूर बताना कि आप अभी कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहे हो। तो दोस्तों यार यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।